आज के वीडियो का टॉपिक है हाउ टू सेंड गूगल डॉक्स फाइल एज अटैचमेंट टू रेजर पे कस्टमर्स सिखाऊंगा कि कैसे जब भी कोई कस्टमर आपके रेजर पे पे कोई पेमेंट करता है और आपके पास वो पेमेंट कैप्चर होती है पेमेंट आप रिसीव करते हैं तो ऑटोमेटिकली उस जिस भी प्रोडक्ट के लिए उस कस्टमर ने उस वो पेमेंट किया है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड एक इनवॉइस तो पहले क्रिएट हो जाएगा आपके गूगल डॉक्स की हेल्प से देन ऑटोमेटिकली वो इनवॉइस एज अ अटैचमेंट ईमेल के द्वारा सेंड हो जाएगा उस कस्टमर के जीमेल अकाउंट पे ना आपको कुछ कर रहा है ना मुझे पूरी प्रोसेस खुद ब खुद होगी पैबली कनेक्ट की हेल्प से इसके लिए इन तीनों को ऑटोमेट करना होगा रेजर पे गूगल डॉक्स और जी को बेस्ट पार्ट यह है कि आपको इस ऑटोमेशन को करने के लिए किसी भी तरह की कोरिंग स्किल्स या फिर प्रोग्रामिंग नॉलेज का आना जरूरी नहीं है मैं पूरी प्रोसेस आपको बताऊंगा कि कैसे यह ऑटोमेशन आपको सेट करना है अभी अपनी स्क्रीन पर ओके okay, सबसे पहले हम अपने ब्राउजर में टाइप करेंगे पी ए डबल बी एल वाई पैबली डॉट कॉम सामने आ जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट क्लिक करेंगे साइन अप फ्री पे अपना अकाउंट फ्री में बनाने के लिए मैं ऑलरेडी बना चुका हूं दैट्स हूँ मैं क्लिक करूंगा साइन इन पे फर्स्ट ऑप्शन आएगा पैबली कनेक्ट का क्लिक करूंगा एक्सेस नाव पर देन ओपन हो जाएगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा राइट हैंड साइड पर क्रिएट वर्क फ्लो का ऑप्शन है क्लिक करूंगा और अपने वर्क फ्लो को मैं एक नाम दे दूंगा मैं एक सिंपल सा नाम दे देता हूँ रेजर पे

एक्शन मीन्स डू दिस ऐसा कर दो टॉपिक क्या है हमारा हम चाहते हैं कि हमारे रेजर पे से रेजर पे पे जब भी कोई पेमेंट हमें रिसीव हो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए है ना या फिर किसी भी प्रोडक्ट के लिए तो ऑटोमेटिकली उस प्रोडक्ट से रिलेटेड एक इन्वायस क्रिएट हो जाए हमारे गूगल डॉक्स के द्वारा देन वो इन्वाइस एज अ अटैचमेंट जिस पर्सन ने वो प्रोडक्ट परचेस किया उसको उसके जी अकाउंट पर एक मेल के द्वारा सेंड हो जाए ऐसा ऑटोमेशन हम चाहते हैं ऐसा करने के लिए फर्स्ट एप्लीकेशन में सबसे पहले मैं चूज़ करूंगा रेजर पे को सर्च किया चूज कर लिया रेजर पे को दैन ट्रिगर इवेंट में मैं चूज करूंगा इन uh, हमारा पेमेंट कैप्चर को ओके सिंपल दैन क्लिक करूंगा कॉपी पे वेबो ओ क्यू आर एल दिया है पैबली कनेक्ट ने मुझे जिसको मैंने कॉपी कर लिया है और अब मैं नीचे दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए इंटीग्रेट कर दूंगा अपने रेजर पे को पैबली कनेक्ट से इसके लिए मुझे चलना होगा अपने रेजर पे के अकाउंट पे तो यह मेरा रेजर पे का डैशबोर्ड लेफ्ट हैंड साइड पे आऊंगा नीचे स्क्रॉल करूंगा ऑप्शन है सेटिंग्स का क्लिक करूंगा सेटिंग्स पे एक ऑप्शन है वेब बुक्स का क्लिक करूंगा वेब बुक्स पे और सबसे पहले फील्ड है इसके अंदर जो पैबली कनेक्ट मुझे वेब बुक यूआरएल दिया है उसको कॉपी करके सिंपली पेस्ट कर दूंगा सिंपल देन नीचे स्क्रॉल करूंगा एक्टिव इवेंट्स के अंदर मुझे चूज करना होगा पेमेंट कैप्चर को सिंपल देन क्लिक करना होगा क्रिएट बुक पे क्रिएट वैबुक पे क्लिक करूंगा वैबुक सक्सेसफुली मेरी सेव्ड हो गई है जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कनेक्शन मतलब हम कर चुके हैं हमारे रेजर पे और पैबली कनेक्ट के बीच में अब जब भी हमारे रेजर पे में किसी भी पेमेंट से रिल... किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई पेमेंट होगा तो ऑटोमेटिकली पैबली कनेक्ट उसकी डिटेल्स अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर लेगा तो चलिए टेस्ट करके देखते हैं चलिए आ जाता हूँ रेजर पे पे और अपने सारे पेमेंट पेजेस ओपन कर लेता हूँ तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये मेरे सारे पेमेंट पेजेस हैं इनमें से एक पेमेंट पेज है ऑनलाइन पी पी कोर्स फॉर बिगिनर्स इसको मैं खरीदता हूँ है ना चलिए इसका पेज यू जो है वो मैं कॉपी कर लेता हूँ और एक न्यू टैब में इसको ओपन करके एक यूजर एक कस्टमर बन के मैं इसको खरीदता हूँ ठीक है तो जैसा कि आप देख रहे हैं फोर नाइन्टी का ये प्रोडक्ट है ठीक है तो प्रोडक्ट यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ अपना फुल नेम यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ मेरा नाम है डमी नेम ओके सिंपल या फिर डैमो नेम सिंपल ठीक है डैमो नेम और यहाँ पे मैं अपना ईमेल एड्रेस ऐड कर देता हूँ डैमो एट द रेट एट द रेट पैबली ट्यूट्स डॉट कॉम ठीक है ये मैंने अपना ईमेल एड्रेस जो है यहाँ पे ऐड कर दिया है सिंपल देन यहाँ पे मैं अपना फ़ोन नंबर भी ऐड कर देता हूँ ओके सो यहाँ पे मैंने अपना फ़ोन नंबर भी ऐड कर दिया है ओके okay? जैसा कि आप देख रहे हैं टेस्ट फ़ोन नंबर है ठीक है पे पे क्लिक करूँगा ओके okay? सो so पे पे क्लिक किया मैंने सक्सेसफुली यहाँ पे ओके देन कार्ड से पेमेंट करने वाला हूँ सो कार्ड को सिलेक्ट किया देन यहाँ पे मैं स्किप कर रहा हूँ और कार्ड नंबर यहाँ पे मुझे ऐड करना होगा तो मैं टेस्ट कार्ड नंबर जो है यहाँ पे ऐड कर देता हूँ सिंपल ठीक है और यहाँ पे इसकी एक्सपायरी डेट जो है मैं ऐड कर देता हूँ ठीक है कार्ड होल्डर नेम है डेमो नेम ठीक है सी वी वी यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ देन पेमेंट कर देता हूँ okay? okay? so ओके पे फोर नाइन्टी नाइन रुपीज़ ओके सो यहाँ पर मैं ओ टी पी कर देता हूँ सबमिट दो से तीन सेकंड में पेमेंट हो जाएगा जैसा कि आप देख रहे हैं पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है चल के चेक करते हैं पैबली ने इस पेमेंट से रिलेटेड डिटेल्स अपने पास कैप्चर की कि नहीं तुरंत जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे रिस्पांस रिसीव्ड हो गया है और पेमेंट डिटेल्स हमारे सामने लेकिन यहाँ पे हमने पेमेंट किया था फोर का इसमें दो एक्स्ट्रा जीरो लगे आ रहे हैं तो रेजर पे से जो डेटा कैप्चर होता है उसके अंदर दो जीरो एक्स्ट्रा लगे आते हैं चाहे आप दस हजार का अमाउंट पे करें चाहे आप दस लाख का अमाउंट पे करें है ना उसके अंदर दो जीरो एक्स्ट्रा लगे आएंगे तो इसका मैं सोल्यूशन आपको बता

ये अमाउंट जो है मैं एकदम जो रियल अमाउंट है वो कर दूं यहाँ पे दो जीरो एक्स्ट्रा जो है उनको हटा दूं। सो ऐसा करने के लिए मैं नीचे आऊँगा प्लस बटन पे क्लिक करके एक एक्शन स्टेप ऐड एक करूँगा और पैबली कनेक्ट के ग्रेट फीचर का यूज करूंगा जिसका नाम है नंबर फॉर्मेटर नंबर फॉर्मेटर की हेल्प से मैं एक मैथमेटिकल ऑपरेशन करूंगा जिससे कि जिसमें मैं क्या करूंगा डिवाइड कर दूंगा ये जो अमाउंट है ना इसको हंड्रेड से डिवाइड कर दूंगा तो हर बार जब भी ये अमाउंट के अंदर दो जीरो लग के आया करेंगे तो वो जब डिवाइड होगा हंड्रेड से तो दो जीरो हट जाएंगे सिंपल चलिए नंबर फॉर्मेटर को मैंने चूज कर लिया है देन एक्शन इवेंट में मैं यहाँ पे चूज करूंगा परफॉर्म मैथ ऑपरेशन को सिंपल देन क्लिक करूंगा कनेक्ट पे ओके okay. कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझसे बोल रहा है सर नंबर एड कीजिए जिनके साथ भी आपको मैथामेटिकल ऑपरेशन करना है तो मुझे इस वाले अमाउंट के साथ जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है है ना पेमेंट एंटिटी अमाउंट ओके सो इस अमाउंट को इस डेटा को मुझे इस प्लैंग फील्ड में एड करना होगा यहां पे ऐड करने के लिए मैं एक टेक्निक का यूज करूंगा जिसको हम कहते हैं मैपिंग मैपिंग में हम हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन का डेटा एक्शन एप्लीकेशन में बहुत ही इजीली ऐड कर सकते हैं कैसे अभी करके दिखाता हूं आपको जस्ट ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करना है नीचे ऑप्शन आएगा रेजर पे का जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन है क्लिक कीजिए रेजर पे पे सारी डिटेल्स ओपन हो जाएंगी यहाँ पे हम नीचे स्क्रॉल करेंगे ये रहा अमाउंट ओके है ना जिसको हमें डिवाइड करना है इसको क्लिक करके ऐड कर देना है सिंपल ये जो प्रोसेस मैंने अभी करी है इसी को मैपिंग कहते हैं जितनी इजी और सिंपल

कॉमा लगा देना है देन लिख देना है हंड्रेड ओके okay? देन उसके बाद यहाँ पे आपको ऑपरेशन के अंदर चूज कर लेना है डिवाइड को उसके बाद क्लिक करना है सेव एंड साइन टेस्ट रिक्वेस्ट पे तो आप देख पाएंगे जितना हमने पेमेंट किया था फॉर नाइनटी नाइन रुपीज का वो पेमेंट हमारे सामने आ गया है तो पेमेंट वाला जो हमारा मसला था वो हमने सॉल्व कर लिया है सिंपल दैन नीचे आऊँगा और अब मैं क्या चाहता हूँ मैं चाहता हूँ जिसने पेमेंट की है उसके लिए सबसे पहले तो एक इन्वाइस क्रिएट हो जाए है ना उसके प्रोडक्ट से रिलेटेड सो so, उसके लिए मैं क्या करूँगा प्लस बटन पे क्लिक करके एक एक्शन स्टेप ऐड करूंगा और यहाँ पे चूज़ कर लूंगा गूगल डॉक्स को क्योंकि गूगल डॉक्स की हेल्प से ही मैं एक इन्वाइस क्रिएट करने वाला हूँ एक्शन इवेंट में मैं चूज करूंगा क्रिएट डॉक्यूमेंट फ्रॉम टेम्पलेट ओको ओके सो मैंने चूज कर लिया है देन क्लिक करूंगा कनेक्ट connect पे कनेक्शन के लिए देन एड न्यू कनेक्शन पे देन कनेक्ट विद गूगल डॉक्स पे देन अपना गूगल अकाउंट चूज कर लूंगा जिस भी गूगल अकाउंट में वो मेरी टेम्पलेट मौजूद है जिसके द्वारा मैं इनवाइस क्रिएट करने वाला हूं क्लिक करूंगा कंटिन्यू पे

हर कस्टमर का नाम अलग होता है इसी तरह से बाकी की चीजें भी तो आप अपने अकॉर्डिंग और अच्छा जो है टैंपलेट बना सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है मैंने एग्जाम्पल के लिए टेम्पलेट बनाया है जिससे आपको समझ में आ जाएगा चलिए तो अब मुझे इन्वाइस मेडिसिन टेम्पलेट नाम की जो टैंपलेट है उसको सिलेक्ट करना है तो यहां पे क्लिक करूंगा तो मेरी सारी टेम्पलेट्स के नाम आने लगेंगे और सबसे ऊपर ही है मेरी इनवाइस मेडिसिन टेम्पलेट की नाम नाम की टेम्पलेट ओके सो उसको मैंने चूज कर लिया है <coughs> देन दूसरा ऑप्शन है न्यू डॉक्यूमेंट्स नेम तो ये मुझसे बोल रहा है कि सर इन्वॉइस जब क्रिएट हो जाएगा तो उस इन्वायस को आप क्या नाम देना चाहेंगे जो न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा उसको आप क्या नाम देना चाहेंगे तो मैं चाहता हूं कि कस्टमर का कस्टमर का ही नाम जो है वही इन्वाइस का नाम हो सो so, इसलिए मैं क्या करूंगा यहाँ पे जो तो कस्टमर का नेम है जिसने ऑर्डर किया है उसका नाम यहां पे मैप कर दूंगा तो कस्टमर का नेम मुझे मिल जाएगा रेजर पे से जस्ट सिंपली मुझे क्लिक करना है रेजर पे पे सारी डिटेल्स ओपन हो जाएंगी यहां पे मुझे एन ए एम ई नेम जो है फाइंड करना है ओके okay, सो so यहाँ पे नेम मुझे मिल गया है लेकिन ये ये रहा नीचे है ना पेमेंट इंटर नोट्स योर फुल नेम है ना डेमो नेम ओके सो डेमो नेम के नाम से मैं चाहता हूँ इन्वाइस क्रिएट हो तो यहाँ पे मैंने डेमो नेम ऐड कर दिया न्यू डॉक्यूमेंट्स लोकेशन तो ये मुझसे बोल रहा है कि सर आपके गूगल ड्राइव में किस फोल्डर के अंदर आपको जो है न्यू डॉक्यूमेंट सेव करवाना है जो इन्वाइसेज है वो सेव करवाना है वो सिलेक्ट कर लीजिए तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे गूगल ड्राइव में मौजूद सारे फोल्डर्स के नाम आने लगते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं उनमें से एक फोल्डर है जिसका नाम है रेजर पे इनवाइसिस ओके सो ये फोल्डर है जिसके अंदर मैं चाहता हूं सारे इनवाइसिस सेव हो है ना सो मैं चूज कर लूंगा सर्च करूंगा यहां पे रेजर पे इनवाइसिस नाम के Uh, मेरे फोल्डर को चूज कर लिया सिंपल देन अब यहाँ पे ऑर्डर आईडी नेम प्रोडक्ट क्वांटिटी प्राइस टोटल ईमेल डेट के कॉलम्स हैं ब्लैंक फील्ड्स हैं हमारे सामने क्यों है ये इतनी सारी ब्लैंक फील्ड्स क्योंकि हमने हमारी टेम्पलेट में इन सबको वेरिएबल बनाया है. है ना इन सब की वैल्यूज जो है मुझे अब ऐड करनी है वहां पे ओके okay? है ना ये चेंज होने वाले हैं क्योंकि तो इनको मुझे मैप करना होगा चलिए यहाँ पे मेरे पास सारी हैं, लेकिन मेरे पास डेट नहीं है so, date, जिस दिन ने पेमेंट किया है तो वो डेट यहाँ पे ऐड होगी तो करंट डेट के लिए मुझे पैबली कनेक्ट के एक ग्रेट फीचर का यूज करना होगा जिसका नाम है डेट टाइम फॉर्मेटर तो ऊपर आऊंगा प्लस बटन पे क्लिक करूंगा एक्शन स्टेप ऐड करूंगा और यहाँ पे चूज कर लूंगा डेट टाइम फॉर्मेटर को डेट टाइम फॉर्मेटर की हेल्प से मैं करंट डेट निकाल लूंगा जो अभी की डेट है ओके okay? है ना और जब भी ऑटोमेशन रन करेगा तो ये खुद ब खुद करंट डेट निकालता रहेगा जिस भी दिन हाँ हर दिन ये ऑटोमेशन रन करेगा तो हर दिन अगर जिस दिन जो डेट होगी वो करंट डेट निकाल लेगा ये ओके okay? सो so, यहाँ पे एक्शन इवेंट पे क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पे चूज कर लूंगा करंट डेट को क्योंकि मुझे करंट डेट चाहिए देन क्लिक करूंगा कनेक्ट पे उसके बाद यहाँ पे बेसिक फॉर्मेट जो है मैं चूज कर लूंगा मुझसे बोल रहा है कि सर किस फॉर्मेट में आपको जो है डेट चाहिए तो मैं यहाँ से डेट का फॉर्मेट चूज कर लेता हूं डीडीएमएमवाईवाई फॉर्मेट में मुझे सिंपल फॉर्मेट में डेट चाहिए है ना करंट डेट तो सेवन साइन पे क्लिक करूंगा तो मुझे करंट डेट मिल गई जैसा कि आप देख रहे हैं 14th ऑफ सितंबर 2022 आज की डेट है और ये मुझे मिल गई है यहाँ पे सिंपल अब मैं डेटा नीचे सारा डेटा मेरे पास मौजूद है अब मैं नीचे डेटा मैप कर सकता हूं तो उस मैप करने से पहले मुझे एक बार कनेक्शन फिर से करना होगा कनेक्टेड पे क्लिक करके जस्ट सेफ पे क्लिक कर लेना है बस रिफ़्रेश हो जाएगा ये है ना क्योंकि हमने ऊपर एक स्टेप ऐड करी है तो उसको रिफ्रेश करना ज़रूरी है तो हमने जो है कनेक्टेड पे क्लिक करके जस्ट सेफ पे क्लिक कर दिया तो वो लोड हो रहा है अभी कुछ ही सेकेंड्स में जो है ये रिफ्रेश हो जाएगा तो जैसा कि आप देख रहे हैं रिफ्रेश हो गया है देन अब हमें आना है नीचे हमने न्यू डॉक्यूमेंट्स का नाम भी मैप कर दिया अब हमें चाहिए ऑर्डर आईडी तो ऑर्डर आईडी भी आपको मिल जाएगी रेजर पे से जस्ट क्लिक कीजिए रेजर पे पे और यहाँ पे सर्च कीजिए ऑर्डर ओके सो ये मिल गई ऑर्डर आई क्लिक करके मैप कर दी सिंपल इसी तरह से नाम कस्टमर का तो यहाँ पर हम फिर सर्च करेंगे नेम ओके सो ये मिल गया मुझे फुल नेम ओके डेमो नेम मैप कर दिया सिंपल देन यहाँ पे हमें क्या करना है प्रोडक्ट का नाम मैप करना है ओके सो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ नीचे और प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ ये भी रेजर पे से ही मिलेगा प्रोडक्ट नेम ये मिल गया मुझे प्रोडक्ट नेम ऑनलाइन पीएचपी कोर्स फॉर बिगिनर्स है ना मैप कर दिया सिंपल देन इसी तरह से क्वांटिटी तो क्वांटिटी मैं मैन्युअली लिख देता हूँ वन क्योंकि एक ही प्रोडक्ट जो है ऑर्डर कर सकता है कस्टमर मैक्सिमम मैंने ऐसा प्रोडक्ट बनाया ओके यहाँ पे मैन्युअली मैंने एक लिख दिया है क्योंकि ये हर प्रोसेस में एक जो मैंने लिखा है ये सेम रहेगा बाकी की चीज़ें चेंज होती रहेंगी ऑर्डर के अकॉर्डिंग ओके जो भी कस्टमर ऑर्डर करेगा उस प्रोडक्ट का जो भी नाम होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाएगा जब ये ऑटोमेशन खुद ब खुद रन करेगा ओके okay? है ना तो आप समझ गए होंगे जो चेंज होने वाले पार्ट्स हैं उन्हें हमें मैप करना जरूरी है और जो सेम रहने वाले हैं उन्हें हम मैनुअली लिख सकते हैं इसी तरह से प्राइस तो प्राइस मैंने निकाली है नंबर फॉर्मेटर से क्योंकि रेजर पे से तो प्राइस मिला था लेकिन उसके अंदर दो जीरो एक्स्ट्रा थे तो हर बार ऐसा ही होगा दैट्स वाई मैंने नंबर फॉर्मेटर का यूज़ करके जो है यहाँ पे प्राइस ओरिजिनल प्राइस जो है वो निकाल लिया था डिवाइड करके ओके सो तो ये रहा क्लिक करके मैंने मैप कर दिया ओके ठीक है देन इसके आगे आप रुपीज़ भी लिख सकते हैं ओके okay? है ना मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ कोई दिक्कत नहीं है ठीक है टोटल टोटल भी फोर नाइन्टी नाइन का ही है ओके okay? सो यहाँ पे फिर से फोर नाइन्टी नाइन को मैं मैप कर देता हूँ देन ई मेल एड्रेस कस्टमर का तो यहाँ पे ई मेल एड्रेस जो है हम मैप कर देंगे सर्च करेंगे ई मेल तो ई मेल एड्रेस मिल जाएगा हमें ये रहा है ना ई मेल एड्रेस डैमो एट द रेट पैब्लिट्यूट डॉट कॉम सिंपल मैप कर दिया है ना देन पेमेंट वाला किया है मैंने ये मुझे करना है

क्लिक किया मैंने सेवन टेस्ट रिक्वेस्ट पे कुछ ही सेकंड्स में यहां पे मेरे सामने रिस्पांस आ गया है जैसे कि आप देख रहे हैं और आप देख पा रहे हैं डेमो नेम के नाम से एक फाइल एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे सेव हो गया है ओपन करके दिखा देता हूं ओपन करके देखते हैं तो जैसा कि आप देख रहे हैं ऑर्डर आई डी हाई डेमोनेम थैंक्स फॉर योर ऑर्डर वी लेट यू नो वेन योर ऑर्डर इज डिस्पैचड डिस्क्रिप्शन ओके यहाँ पे प्रोडक्ट uh, का नाम आ गया डिस्क्रिप्शन में ऑनलाइन पीएचपी कोर्स फॉर बिगिनर्स क्वांटिटी यहाँ पे वन है यूनिक प्राइस फॉर नाइनटी नाइन है टोटल फोर नाइन्टी नाइन का है करंट डेट ये रही ईमेल एड्रेस कस्टमर का ये रहा और बाकी मैनेजर के साइंस ओके सो एकदम परफेक्ट ये जो है हमारा क्रिएट हो गया है और सेव हो गया है इन्वायस हमारे फोल्डर के अंदर जिसका नाम है रेजर पे इन्वाइसिस ठीक है तो अब मैं चाहता हूँ ये इन्वाइस एज अ पी फॉर्मेट में जो है शेयर हो जाए देन हमारे कस्टमर को एज अ मेल सेंड हो जाए खुद ब खुद ऐसा भी मैं चाहता हूँ सो so, ऐसा करवाने के लिए मुझे सबसे पहले तो अपने गूगल ड्राइव से इसको शेयर करना होगा एज अ पी फॉर्मेट में ओके okay? सो so, ऐसा करने के लिए मुझे वापस पैब्लिक कनेक्ट में आना होगा देन प्लस बटन पर क्लिक करके एक्शन स्टेप ऐड करनी होगी और यहाँ पर चूज़ करना होगा गूगल ड्राइव को चूज कर लूंगा ऑप्शन करूंगा okay? कनेक्ट पे उसके बाद एड न्यू कनेक्शन पेन कनेक्ट विद गूगल ड्राइव पे धैन अपना गूगल अकाउंट चूज कर लूंगा जिस गूगल अकाउंट में वो फाइल मौजूद है क्लिक करूंगा कंटिन्यू पे डोंट वरी पैबली कनेक्ट इज हंड्रेड परसेंट सेफ ऑथराइजेशन सक्सेसफुल हो गया और जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा गूगल ड्राइव कनेक्टेड है पैबली कनेक्शन कनेक्ट होने के बाद सबसे फर्स्ट फील्ड आई है फाइल आईडी की तो यहां पे आपको क्या करना है मैप का टॉगल ऑन कर देना है और ये जो फाइल आई डी इसके अंदर है इसको बैक स्पेस से हटा देना है मैं बताता हूं आपको फाइल आई डी कहाँ से मिलेगी यहाँ पे आपको फाइल आई डी मैप करना है तो ऊपर वाली जो प्रीवियस स्टेप से स्टेप है हमारी जिसके अंदर हमने डॉक्यूमेंट को क्रिएट करवाया था वहां पर आना है और रिस्पॉन्स में नीचे स्क्रॉल करना है तो आपको यहाँ पर मिल जाएगी डॉक्यूमेंट आई डी जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने ये डॉक्यूमेंट आई डी है तो ये डॉक्यूमेंट आई डी आपको यहाँ पर मैप कर देनी है चलिए ये मैप कर देते हैं ये रहा हमारा लास्ट वाला गूगल डॉक्स

जो है लिंक्स मिल गई हैं शेयरेबल लिंक्स हैं है ना तो मैं पीडीएफ फॉर्मेट वाली लिंक जो है इसके सामने वाली जो लिंक है ये ओपन करके आपको दिखा देता हूं तो जैसे ही मैं इसको कॉपी करके एक न्यू टैब में ओपन करूंगा तो एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी ऑटोमेटिकली जैसे कि आप देख पा रहे हैं नीचे यहाँ पे एक फाइल डाउनलोड होगी डेमो नेम नाम की ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूं तो इसमें निकलेगा इनवॉइस हमारा ओके पीडीएफ फॉर्मेट में इनवॉइस जैसा कि आप देख रहे हैं थैंक यू फॉर योर ऑर्डर ऑर्डर आईडी वगैरह वगैरह एकदम परफेक्टली एज अ पीडीएफ फॉर्मेट में ये इनवॉइस हमारे सामने है ओके okay? सो so ये शेयरेबल लिंक एकदम परफेक्ट है अब मैं इस शेयरेबल लिंक को एज अ अटैचमेंट सेंड कर दूंगा ई के साथ अपने कस्टमर को उसके जी अकाउंट पे सो so ऐसा करने के लिए मुझे आना होगा और अपनी लास्ट एप्लीकेशन में चूज कर लेना होगा जी को सर्च किया चूज कर लिया जी को देन एक्शन इवेंट में चूज करूंगा सेंड ई को और क्लिक करूंगा कनेक्ट पे उसके बाद न्यू कनेक्शन पे देन कनेक्ट विद जी मेल पे देन अपना जी मेल अकाउंट चूज कर लूंगा जिस भी जी मेल अकाउंट से मैं मेल सेंड करना चाहता हूं ओके okay, तो मैंने चूज कर लिया अपना जी मेल अकाउंट देन नीचे आऊंगा स्क्रॉल करूंगा और क्लिक करूंगा कंटिन्यू पे डोंट वरी पैबली कनेक्ट इज़ हंड्रेड परसेंट सेफ ओके सो कनेक्शन हो गया है सक्सेसफुली जैसा कि आप देख रहे हैं अब ये मुझसे बोल रहा है कि सर यहाँ पे ई मेल एड्रेस एड कीजिए जिसको भी आप मेल सेंड करना चाहते हैं उसका तो यहाँ पे आप ई मेल एड्रेस जो है सबसे पहले ऐड कर देते हैं मैप कर देते हैं क्लिक किया ई मेल एड्रेस पता है हमें मिलेगा रेजर पे से यहाँ पे सर्च किया ई मेल ये मिल गया हमें

है ना Then नीचे reply to को स्किप करूंगा email content type मुझे plain रखना है, आप एच है एम एल भी सेलेक्ट कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है देन ई मेल कंटेंट क्या ई मेल के अंदर आप क्या सेंड करना चाहते हैं तो वो कंटेंट हमें यहां पर ऐड करना है तो मैं ऐड कर देता हूं ओके सो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने यहां पे कंटेंट टाइप कर दिया है डियर थैंक यू फॉर योर परचेज प्लीज फाइंड द invoice इन द अटैचमेंट्स थैंक यू ओके सो ये एक मैंने थोड़ा सा एग्जाम्पल के रूप में कंटेंट टाइप किया आप अपने अकॉर्डिंग जैस, जैसा भी ई मेल सेंड करना चाहते हैं जैसा भी कंटेंट रखना चाहते हैं बड़ा छोटा वैसा आप कर सकते हैं. तो डियर के बाद मुझे एक चीज और करनी है यहाँ पे कस्टमर का नेम जो है वो मैप कर देना है बाकी का पार्ट मैंने सेम कर, लिख दिया है क्योंकि ये हर ई मेल में सेम रहने वाला है देन जो नाम है वो मैं मैप कर देता हूँ क्योंकि नाम हर ई मेल में जो है चेंज होगा है ना हर पर्सन का नाम अलग होगा जिनको भी हम मेल सेंड करेंगे दैट्स उनका नाम हमें मैप करना होगा तो रेजर पे से मिलेगा नाम यहाँ पे सर्च करेंगे नेम ये मिल गया डेमो नेम हमें फुल नेम क्लिक करके मैप कर दिया सिंपल तो ईमेल कंटेंट मैंने ऐड कर दिया है देन यहाँ पे फाइल नेम ओके सो तो जो फाइल हम सेंड करने वाले हैं उसका नाम और अटैचमेंट के अंदर उसका लिंक हमें ऐड करना है तो यहाँ पे फाइल नेम सबसे पहले मैं ऐड कर देता हूँ तो मुझे गूगल ड्राइव से मिल जाएगा फाइल का नाम ओके सो so, फाइल का नाम ये रहा ठीक है डेमो नेम मैप कर दिया सिंपल और अटैचमेंट भी मुझे गूगल ड्राइव से मिलेगा जो लिंक मैंने अभी आपको ओपन करके दिखाई थी पी डी फॉर्मेट में जो हमने कॉपी की थी जो हमें गूगल ड्राइव से मिली थी तो वही वाली पीडीएफ वाली लिंक हमें जो है मैप कर देनी अगर आप और किसी फॉर्मेट में सेंड करना चाहते हैं लिंक्स तो यहां पर और भी फॉर्मेट है आप सेंड कर सकते हैं मैं पीडीएफ फॉर्मेट में जो है इन सेंड करूंगा दैट्स फाइव पी वाली जो लिंक है <coughs> वो मैंने क्लिक करके यहां पर मैप कर दिया है अब मैं क्लिक करूंगा सेवन सैन टेस्ट रिक्वेस्ट पे तो जैसे ही मैं सेवन सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करूंगा एक ईमेल जो है सेंड हो जाएगा डेमो नेम को उनके इस ईमेल एड्रेस पे ओके okay, और हम आपको चल के दिखाएंगे कि कैसा ईमेल वो आता है तो सबसे पहले तो मैं डेमो नेम का जीमेल अकाउंट ओपन कर लेता हूं अपने पास सो so, मैंने ओपन कर लिया है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहां पे जीमेल अकाउंट ओपन है तो अब मैं आता हूं पेबली कनेक्ट पे और क्लिक करता हूं सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे तो सेवन सेंट टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद सक्सेसफुली एक ईमेल सेंड हो जाएगा डेमो नेम को जैसा कि आप देख रहे हैं रिस्पांस रिसीव्ड हो गया चल के चेक करते हैं हमारे हम डेमो नेम के जीमेल अकाउंट पे कि वहाँ पे कोई मेल आया है कि नहीं तो अपडेट के अंदर मैं जाके देखता हूँ सो <coughs> so, यहाँ पे तो मुझे कोई मेल नहीं दिख रहा है एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ इसको मेरे जी अकाउंट को फिर चेक करता हूँ सो so, रिफ्रेश करने के बाद जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारे सामने एक ईमेल दिख रहा है आपको ओपन करके दिखा देता हूं पैबली जैसा कि हमने नाम दिया था पैबली की तरफ से हमारे पास ये ईमेल आया है डियर डेमो नेम थैंक यू फॉर योर परचेस प्लीज फाइंड द इनवॉइस इन द अटैचमेंट्स थैंक यू ये रहा अटैचमेंट डाउनलोड कर लेते हैं ओपन करके देख लेते हैं क्या है अटैचमेंट के अंदर ओके okay. सो so, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं वही जो हमारे सामने अटैचमेंट है जो हमने इनवॉइस एज आ इन्वाइस जो है सेंड करा था आप लोग देख पा रहे हैं आपके सामने तो मीन्स इसकी प्रेजेंस बता रही है इस ई की प्रेजेंस बता रही है कि हमारा ऑटोमेशन जो है हमने सेट कर दिया है वापस आना है हमें पेब्ली कनेक्ट पर पे और क्लिक करना है सेव पे अब हमें कुछ भी नहीं करना है अब ये पूरी प्रोसेस ऑटोमेटिकली होने वाली है क्या होगा ऑटोमेटिकली मैं आपको बता देता हूँ है ना सबसे पहले तो मैं इन स्टेप्स को जो है कर देता हूँ मिनिमाइज ओके सो मिनिमाइज कर देता हूँ मैं नीचे से आके पहले जी को कर देता हूँ फिर गूगल ड्राइव को भी मिनिमाइज कर देता हूँ और आके ऊपर गूगल डॉक्स को देन डेट टाइम फॉर्मेटर को नंबर फॉर्मेटर को और रेजर पे को तो अब मैं बताता हूं हमने कैसा ऑटोमेशन सेट किया है अब जब भी हमारे रेजर पे पे किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई पेमेंट कैप्चर होगा तो ऑटोमेटिकली उस पेमेंट से रिलेटेड एक इन्वायस जो है क्रिएट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ गूगल डॉक्स देन वो इन्वाइस हमारे गूगल ड्राइव से शेयर हो जाएगा देन वो सेम एज अ अटैचमेंट सेंट हो जाएगा हमारे एक ई के द्वारा जी अकाउंट पे उस कस्टमर के जिसने वो प्रोडक्ट परचेस किया था ओके ऐसा ऑटोमेशन हमने सेट कर दिया है और ये दोनों जो स्टेप्स हमने यूज की थी यहाँ पे ये करंट डेट जो है ऑटोमेटिकली निकालेगा और नंबर फॉर्मेटर से जो अमाउंट रेजर पे की तरफ से आने वाला है जिसमें दो जीरो एक्स्ट्रा आते हैं वो अमाउंट जो है उसको डिवाइड कर देगा और जो रियल अमाउंट है वो हमारे सामने शो होगा तो इस तरह का ये ऑटोमेशन हमने सेट कर दिया है अब हमारा कोई काम नहीं है इसमें अब ये पूरी इतनी सारी प्रोसेस सॉफ्टवेयर खुद ब खुद करेगा जब तक ये वर्क फ्लो ऑन है ये प्रोसेस होती रहेगी तो ना सिर्फ इन एप्लीकेशंस को पैबली कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को इंटीग्रेट कर सकते हो ऑटोमेट कर सकते हो बिना किसी परेशानी के जाते जाते एक बात फिर से बता देता हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा जो कि होगा इसी वर्क फ्लो का आपको जाना है उस लिंक पर क्लिक करना है और आप भी मेरा बनाया ये सेम वर्क फ्लो यूज कर पाओगे अपने अकाउंट में वो भी एकदम फ्री में अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं कुछ क्वेरीज होती हैं तो आप बिल्कुल मुझसे मेरी टीम से यहां दी गई लिंक पर पूछ सकते हैं सेकंड थिंग अगर आपको पैब्ली कनेक्ट की प्राइजिंग जाननी है तो ये सेकंड वाली लिंक पे जाके आप प्राइजिंग चेक कर सकते हैं और सबसे लास्ट थिंग कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप सेटिस्फाई हैं तो आप इस वीडियो को शेयर बिल्कुल कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और वीडियो को लाइक भी करना मत भूलेगा थैंक यू